आज का हमारा पहला लिंकिंग वर्ड है गाइस, विच इज वाई, और इसका मतलब होता है यही वजह है या फिर यही कारण है, इसका मतलब होता है गाइस। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यही वजह है कि राहुल उससे बात नहीं करता है, वरना राहुल तो सबसे बात करता है। विच इज वाई राहुल डजेंट टॉक टू हिम, अदरवाइज राहुल टॉक्स विथ एवरी वन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यही कारण है कि सब लोग उसे इतना पसंद करते हैं। इसके लिए आप बोल सकते हैं विच इज वाई एवरी वन लाइक्स हिम सो मच, विच इज वाई एवरी वन लाइक्स हिम सो मच। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, विच इज वेयर, और इसका मतलब होता है गाइस जहां, है ना, इसका मतलब होता है जहां। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं वहीं से बोल रहा हूँ जहाँ पर मैं तुमसे कल मिला था। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस विच इज वेयर आई मेट यू यस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या तुम वहाँ आ सकते हो जहाँ कल हम मिले थे। कुड यू प्लीज कम देयर विच इज वेयर वी मेट यस्टरडे। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, विच इज वॉट, और इसका मतलब होता है क्या है वो, है ना, इसका मतलब होता है क्या है वो, विच इज वॉट का मतलब। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है वो जो तुम्हें इतना परेशान करता है। आई वॉन्ट टू नो विच इज वॉट डैट डिस्टर्ब्स यू सो मच। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या है वो जो तुम नहीं बताना चाहते हो। इसके लिए आप बोल सकते हैं विच इज वॉट यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट, विच इज वॉट यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइज विच इज विच, और इसका मतलब होता है कौन कौन सी या कौन वाली कौन सी। ये नॉन लिविंग थिंग्स में प्रयोग किया जाता है। देखिए, दोनों मोबाइल सेम है इसलिए मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि कौन वाली कौन सी है। Both of the mobiles are same. That is why I get confused which is which. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, दोनों तो सेम है तो तुम जानोगे कैसे कि कौन वाली कौन सी है। Both are same. How you will know which is which? Both are same. How you will know which is which? हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, This is what, और इसका मतलब होता है इसी को तो या इसे ही, इसका मतलब होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अरे तुम समझी नहीं, इसी को तो वह लाल पानी कहता है। ओह डिडंट यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट ही कॉल्स रेड वाटर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, हमारा अगला एग्जाम्पल है इसे ही या फिर इसी को तो मैं खरीदना चाहता था। इसके लिए आप बोल सकते हैं This is what I wanted to purchase. This is what I wanted to purchase. आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, This is when, और इसका मतलब होता है इसी वक्त तो या फिर इसी समय तो, है ना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, इसी समय तो कल हम लोग शादी में गए थे। इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं This is when we went to the marriage party yesterday. This is when we went to the marriage party yesterday. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इसी वक्त तो कल उसने मुझे फ़ोन किया था। This is when she called me yesterday. This is when she called me yesterday. This is how, और इसका मतलब होता है गाइस इसी तरीके से तो, इसका मतलब होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे प्रयोग करना है। हमारा पहला एग्जाम्पल है इसी तरीके से तो वह सबसे बात करता है इसीलिए पापा उसको डांटते हैं। दिस इज हाउ ही टॉक्स विथ एवरी वन, डैट्स वाई डैड इज कॉल्ड्स हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी तरीके से वह सबके साथ झगड़ा करती है ना। इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हो This is how she quarrels with everyone. This is how she quarrels with everyone. हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस,
दिस इज वाई, और इसका मतलब होता है इसी वजह से, तो इसका मतलब होता है, आइए उदाहरण से समझते हैं। इसी वजह से तो लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं दिस इज़ वाई पीपल लाइक हिम सो मच, दिस इज़ वाई पीपल लाइक हिम सो मच। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, इसी वजह से तो वह आज ही आ रहा है ना, इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हो दिस इज़ वाई ही इज़ कमिंग टूडे इट्सेल्फ, दिस इज़ वाई ही इज़ कमिंग टूडे इट्सेल्फ। आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस दिस इज़ वेयर, और इसका मतलब होता है यहीं पर, तो इसका मतलब होता है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है गाइस, यहीं पर तो मैंने उसे पहली बार देखा था और मुझे प्यार हो गया, है ना, इसके लिए आप बोलते हैं दिस इज़ वेयर आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई फेल इन लव, दिस इज़ वेयर आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई फेल लव। एक और एग्जांपल देखें, यहीं पर तो वह मुझसे रोज़ मिलने आती थी और हम एक दूसरे से बातें करते थे, इसके लिए आप बोलते हैं दिस इज़ वेयर सी यूज्ड टू कम एवरी डे एंड बी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, दिस इज़ वेयर सी यूज्ड टू एवरी डे एंड बी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज, कैसे कैसे या किस तरह के, इसके लिए आप बोल सकते हैं हाउ या व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। यार मैं हैरान हूँ, क्या आप बता सकते हो कि आपने उसे कैसे कैसे मनाया। ब्रो आई एम शॉक्ड, कुड यू टेल मी हाउ डिड यू कन्विंस हिम। ब्रो आई एम शॉक्ड, कुड यू टेल मी हाउ डिड यू कन्विंस हिम। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, रणबीर सिंह कैसा कैसा कपड़ा पहनता है यार, पर जैसा भी पहनता है मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं What type of dresses does Ranbir Singh wear? But however he wears, I love it. What type of dresses does Ranbir Singh wear? But however he wears, I love it. That's what. और इसका मतलब होता है यही तो या वही तो या फिर यही बात तो या फिर वही बात तो, है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह आपकी क्या लगती है। That's what I want to ask you. What is she to you? That's what I want to ask you. What is she to you? वही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो आप बोल सकते हैं That's what I was not able to understand. That's what I was not able to understand. आप इस तरह से बना सकते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, That's how. और इसका मतलब होता है ऐसे ही या इसी तरह से या इसी तरीके से। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसे बात करने का तमीज नहीं है, वह इसी तरह से सभी से बात करता है। ही हैज़ नो मैनर्स टू टॉक, डैट्स हाउ ही टॉक्स विद एवरीवन। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप ऐसे ही अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो इसको आप बोलते हैं डैट्स हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश, That's how you can learn English. आज का हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, That's when. और इसका मतलब होता है उसी वक्त या तभी, है ना। That's when का मतलब होता है उसी वक्त या तभी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, पता है जब मैं आया उसी वक्त पापा भी आ गए थे। You know what? When I came, that's when even dad turned up. एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था कि मत जाओ उसके साथ। दैट्स व्हेन आई हैड टोल्ड यू डोंट गो विथ हिम, दैट्स व्हेन आई हैड टोल्ड यू डोंट गो विथ हिम। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस, दैट्स वेयर, और इसका मतलब होता है हिंदी में यहीं तो या वहीं तो, इसी जगह तो या उसी जगह तो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वहीं पर तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, तुम फिर भूल गए। डैट्स वेयर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट, यू फॉरगॉट इट अगेन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, हमारा अगला एग्जाम्पल है,
हम उस दिन उसी जगह तो मिले थे, है ना? तो इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं डैट्स वेयर वी हैड मेट डैट डे, डैट्स वेयर वी हैड मेट डैट डे। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है डैट्स विच, और इसका मतलब होता है उसी को या इसी को। यहाँ नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी को तो मैं खरीदना चाहता था। थैंक यू सो मच डैट्स विच आई वॉन्टेड टू परचेज, थैंक यू सो मच डैट्स विच आई वॉन्टेड टू परचेज। क्या आप जानते हो उसी को तो सब खोज रहे हैं, है ना? तो आप इसको इंग्लिश बोलते हैं डू यू नो डैट्स विच ऑल आर सर्चिंग, डू यू नो डैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। इस तरह से आप इसको बनाते हैं। हमारा अगला लिंकिंग वर्ड है गाइस डैट्स वाई, और इसका मतलब होता है इसीलिए या तभी तो, है ना? तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वह सबको इज्जत देता है इसीलिए लोग उसे इतना पसंद करते हैं। ही रिस्पेक्ट्स एवरी वन डैट्स वाई पीपल लाइक हिम दिस मच, ही रिस्पेक्ट्स एवरी वन डैट्स वाई पीपल लाइक हिम दिस मच। एक और एग्जाम्पल देखिए, शायद इसीलिए वह घर नहीं आया, मे बी डैट्स वाई ही डिडेंट कम टू होम, मे बी डैट्स वाई ही डिडेंट कम टू होम। हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज डैट्स हु या डैट्स होम, और इसका मतलब होता है उसी को या इसी को। यहाँ लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जा रही है गाइज, किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम जानते हो वह कहाँ गया है, उसी को तो सब खोज रहे हैं। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन डैट्स हु ऑल आर लुकिंग फॉर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइज, इसी को तो मैं सुबह से बुला रहा था, है ना? तो आप इसको इंग्लिश बोलते हैं डैट्स होम आई हैव बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग, डैट्स होम आई हैव बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। हु इज हु, और इसका मतलब होता है गाइज कौन कौन है, है ना? कौन कौन है इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या तुम पहचान सकते हो कौन कौन है इस फोटो में, है ना? फोटो दिखाकर पूछा जा रहा है। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं कैन यू रिकग्नाइज हु इज हु इन दिस फोटो, कैन यू रिकग्नाइज हु इज हु इन दिस फोटो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या तुम जानते हो इस फिल्म में कौन कौन है? तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं डू यू नो हु इज हु इन दिस मूवी, डू यू नो Who is who in this movie? हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज What is what? और इसका मतलब होता है क्या सही है क्या गलत, है ना? तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता भी है कि क्या सही है क्या गलत। How can you say? Do you even know what is what? How can you say? Do you even know What is what? एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत। तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं I don't know, I can't say what is what. I don't know, I can't say what is what. आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला फ्रेज वर्ड है गाइज supposed to, और इसका मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। एग्जाम्पल देखिए, तुमसे उम्मीद नहीं की जाती है कि तुम मूर्खों की तरह व्यवहार करो। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको यू आर नॉट सपोज्ड टू बिहेव लाइक अ फूल, यू आर नॉट सपोज्ड टू बिहेव लाइक अ फूल। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम इतने तेज हो तुमसे कक्षा में प्रथम आने की उम्मीद की जाती है, है ना? तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सपोज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सपोज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द